आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। ग्राम पंचायत अधिकारी संदीप रावत पर लगा धन उगाही करने का आरोप, गांव वालों ने तबादले की मांग की। जी हां, सरकार की कोशिश होती है कि गरीब और असहाय लोगों की मदद करके उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनकी रोटी कपड़ा और मकान संबंधी सभी जरूरतें पूरी करके उनकी मदद की जा सके। सरकार नई नई योजनाओं को शुरू करके गांव के गरीब और किसानों को सहायता देती है, लेकिन सीतापुर जनपद के विकास खंड सिधौली के कंटाइन गांव के ग्राम पंचायत अधिकारी संदीप रावत गांव की गरीब जनता को दरकिनार करके अपनी जेब गर्म करने में लगे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सन 2011 में आवास पात्रता लिस्ट में गांव के इन 6 लोगों का नाम भी था, जिनके घर कच्चे झोपड़पट्टी जैसे हैं, परंतु सरकारी तंत्र की मिलीभगत के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले इन्हीं आवासों में से 6 लोगों के आवासों को फर्जी बताकर अपात्र कर दिया गया। गांव के निवासी हरनाथ सिंह का कहना है कि बिना जांच के ही कार्यालय में बैठे बैठे साहब ने हमें अपात्र कर दिया। कारण यह है कि मेरे पास रिश्वत देने के लिए 20,000 रुपये नहीं थे। वहीं सुखरानी सिंह, रणवीर सिंह, राम कुमार सिंह, हरिपाल कश्यप और भुरऊ का कहना है कि जब तक यह वाले ग्राम विकास अधिकारी रहेंगे, तब तक हम सबको इसी तरह झोपड़पट्टी और कच्चे घरों में जिंदगी काटनी है। इनकी शिकायत क्षेत्रीय सांसद मानी कौशल किशोर व खंड विकास अधिकारी को लिखित रूप में पत्र देकर भी कर चुके हैं, लेकिन नतीजा शून्य है। गाँव वालों ने शार्प मीडिया से बातचीत में कहा, अगर इनका तबादला हो जाए तो हम सबको हमारा घर मिल जाए। देखें एक रिपोर्ट। कालू जी, कच्चा मकान है हमारा, और प्रधान जी दे रहे हैं और सचिव साहब नहीं दे रहे हैं। क्या कहते हैं सचिव साहब? का पक्का बना है। घर कौन सा है आपका? घर ये है। ये तो कच्चा बना हुआ? हाँ, कच्चा है। सचिव साहब यहाँ आए थे देखने? नहीं देखे ही है, नहीं है। खाली ऊपर से ही? ऊपर से। कह रहे हैं पक्का है? पक्का है। तो क्या चाहते हैं अब? चाहते हैं कि बन जाए कॉलोनी। नाम बताओ अपना। जी सर, राम कुमार सिंह नाम है मेरा। क्या समस्या है आपको? समस्या सर ये देख लीजिए कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है जो है, और गरीबी में जूझ रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की, घर मकान कहाँ से बनाएं, और जो है हमारा मकान सब कच्चा बना हुआ है, वो भी गिर रहा है, लेकिन इन बच्चों को लेकर के कहाँ जाएं। सन 2011 में जो सर्वे हुआ था हमारा, उसमें मानक लिस्ट में हमारा नाम जो है कॉलोनी के लिए आया था, तो हमारे सेक्रेटरी महोदय जब आए यहाँ जांच के लिए, तो गांव आए थे जांच के लिए? हाँ, गांव आए थे। हाँ। तो उन्होंने देखा और हमसे कहा कि अच्छा है कि कॉलोनी तो आपको मिल सकती है, लेकिन 20,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। किस लिए? सर वो मांग रहे थे कि 20,000 रुपए हमको दे दो तो कॉलोनी हम पास कर देंगे, नहीं तो मांग रहे थे। हाँ, नहीं तो अपात्र कर देंगे। अच्छा। तो सर ये बताइए कि हमको बच्चे जो है जिलाना मुश्किल है, पढ़ाना लिखाना इनको मुश्किल है, तो 20,000 रुपए हम कहाँ से दें? तब उन्होंने जो है हमको बाद में मालूम हुआ कि उन्होंने अपात्र घोषित कर दिया, हमको कॉलोनी नहीं मिलेगी। तो सर ये हमारी समस्या है, शासन प्रशासन तक पहुँचाइए कि ये देखिए हमारा जो है घर कैसा बना है, पक्का है, एक ईंट लगाने की क्षमता हमारे अंदर तो है नहीं, लड़कियां हमारी शादी योग्य हैं, हम लड़कियों की शादी करें कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनके खाने की व्यवस्था करें, कि जो है मकान हम बनाएं, और हमारा मकान गिर भी रहा है, अंदर देखिए चल करके कुछ दीवारें गिरी। तो अभी आप क्या चाहते हैं? तो सर हम यही चाहते हैं कि हमको हमारा आवास अगर मिल जाए तो कम से कम बच्चों के लिए रहने के लिए कुछ छत हमको मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी हमारे लिए।